नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर में राजस्थान सरकार के 200 फीट मास्टर प्लान में गरीबों के 25 घर भेंट चढ़ रहे हैं। पंचायत समिति गिरवा क्षेत्र में बलीचा से अंबावता घाटी तितड़ी तक 200 फीट की रोड बनने जा रही है, जहां बरसों से रहने वाले लोगों के करीब 25 आशियाने उजड़ जाएंगे। गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मैं श्रमिक नेता प्रभुलाल खटिक, ग्राम बलीचा। इस क्षेत्र में जो आज बड़े दुखी होकर के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, माननीय हमारे विवेक जी कटारा को पीड़ा ग्रामीणों ने सुनाई है, आपने सुनी है। ये 200 फीट जो रोड बन रहा है, जिसमें मकान जा रहे हैं, 30-35 लोगों के मकान जा रहे हैं, और प्रशासन से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विवेक जी से हम यही चाहते हैं कि हमारे हित में इन गरीब भाइयों को, आदिवासी भाइयों को पुनः मकान सुलभ हो और यह राहत की गति प्रदान करे। इन्होंने लाखों रुपए लगा करके पक्के मकान इन्होंने बनाए हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है कि अगर पुनर्वास में इनको बिलिया दिया जाता है, तो एक एक ये योजना ऐसी बनाई जानी चाहिए कि जिस विलेज में जो क्षति होती है उस व्यक्ति की, उसी विलेज में बनाया जाए, तो कम से कम उस व्यक्ति का घाम न छूटे। वह जहाँ उस गांव में उसकी पीढ़ी खप गई है, रह रहा है, उसी गांव में UIT की बिला नाम भूमि पर मकान बना करके इनको दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। कतरा वर्ष रह रहा है, कई चेहरों में मकान तो माने अतरा चेहरा जो अब अतरा है तो घट जावा मां पे छोड़े। किस तरह की सड़क इनके एक वट्टू बनती है, पहली तो बन गई, अब पूरी और बन रही इनके तोड़ेगा तो जान लेन, सब। ग्रामीणों ने बताया कि यहां सभी लोग लगभग 100 वर्षों से काबिज है, ऐसे में मास्टर प्लान के तहत आशियाने उजड़ जाएंगे तो इनका गुजर बसर कैसे होगा। डॉक्टर कटारा ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद UIT सचिव अरुण कुमार हसीजा से बात करते हुए UIT की अन्य जमीन पर स्थान दिलाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर कटारा ने कहा कि कई वर्षों से अपने पुश्तैनी मकानों में रहने वाले लोगों का जरूर राहत दिलाई जाएगी। मैं आज वार्ड नंबर 4 बलीचा के हीरोतलाई मोहल्ले में आया हूँ। मुझे यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, हमारे सरपंच साहब ने, लक्ष्मी बाई ने, और हमारे वार्ड पंच और हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता, उन्होंने एक सूचना दी कि ये जो 200 फीट निकल रहा है आपकी अम्मा माता की घाटी से तितड़ी से लेके बलीचा, तो यहाँ पे बलीचा आते आते या जो हाई जो 200 फीट का जो विड्थ है उसमें ये सब 30-35 मकान आ रहे हैं और ये UIT लैंड पे बसे हुए हैं। तो लेकिन चूंकि इनके मकान बने हुए हैं, तो मैंने अभी UIT सेक्रेटरी साहब से बात की है, कलेक्टर साहब से भी अभी बात करूंगा, और उन्होंने आश्वासन दिया है ज़रूर कि इनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करेंगे, रीसेटलमेंट करेंगे, ताकि इनके जो लंबे ये बहुत पुराने इनके मकान बने हुए हैं, मकान तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं इनको उचित जगह मिलेगी और सरकार पूरी उसकी व्यवस्था करेगी, UIT पूरी उसकी व्यवस्था करेगी, ऐसा मुझे आश्वासन मिला है। और मैं यहाँ के लोकल बाशिंदों को भी कहना चाहता हूँ कि कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग लगे हुए हैं, आपके मकान नई उजंडे देंगे और आपको राहत पूरी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।